नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली मेटा पर न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आज आपको बता दें, देश में अब जमकर होगा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। जी हां, आपको बता दें कि ये तीन दिग्गज कंपनियां अब एक साथ होकर ज्वाइंट वेंचर के लिए समझौता करने वाली। जी आपको बता दें कि L&T EPC परियोजनाओं को डिजाइन करने, क्रियान्वित करने और वितरित करने में एक मजबूत साख सकती है रखती है। इंडियन ऑयल की बात करें तो यह पेट्रोलियम रिफाइनिंग में विशेषज्ञता के साथ ही सभी ऊर्जा स्रोतों में अपनी उपस्थिति रखता है। वहीं रिन्यू बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा समाधान विकसित करने और उसकी पेशकश करने के लिए जानी जाती है। जी हां, आपको बतला देती हूं। जी हां, भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात होती है, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, तो ग्रीन हाइड्रोजन एक बड़ा विकल्प सामने आता है। ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। परिवहन उद्योग, ऊर्जा भंडारण और औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। देश की इसी जरूरतों को देखते हुए तीन दिग्गज कंपनियां एक साथ आई हैं। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T और रिन्यू पावर है। इन तीनों कंपनियों ने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए आपस में समझौता किया है। यह कंपनी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर विकसित करने का काम करेगी। आपको बता दें कि ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। ऐसे में इस नए वेंचर में इन तीन कंपनियों की विशेषज्ञता शामिल होगी। L&T EPG परियोजनाओं को डिजाइन करने, क्रियान्वित करने और वितरित करने में एक मजबूत साख रखती है। इंडियन ऑयल की बात करें तो यह पेट्रोलियम रिफाइनिंग में विशेषज्ञता के साथ ही सभी ऊर्जा स्रोतों में अपनी उपस्थिति रखता है। वही रिन्यू बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा समाधान विकसित करने और उसकी पेशकश करने के लिए जानी जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाने और बेचने के लिए इंडियन ऑयल और L&T ने एक जॉइंट वेंचर पर समझौता किया है। आपको बता दें कि समझौते पर इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद ने कहा कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में देश की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में देश की क्षमता बढ़ाकर ऐसा करना चाहते हैं। वहीं L&T के CEO और MD M.N. सुब्रमण्यम ने इस जॉइंट वेंचर पर कहा, भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण है। इंडियन ऑयल L&T रिन्यू जॉइंट वेंचर औद्योगिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए विकास पर केंद्रित है। वहीं रिन्यू पावर के चेयरमैन और CEO सुमंत सिन्हा ने कहा, इस प्रस्तावित जॉइंट वेंचर की टाइमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाल ही में घोषित भारत सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को सपोर्ट करती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने फरवरी में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अधिसूचित की थी। जी हां, आपको बता दें आखिर कैसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन एक जीरो कार्बन ईंधन होती है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के जरिए पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग किया जाता है। हालांकि हाइड्रोजन के उत्पादन में कोयले और प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है जो काफी प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन के उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का उपयोग हो और इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं हो तो यह ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती